हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आज मम्मी और बना रहे हैं लड्डू वगैरह, कुछ बना रहे हैं वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। और एक ज़रूरी बात, पिछली वाली जो चैलेंज वीडियो आई है उसमें मोस्टली एक कॉमन कमेंट आया है कि अब प्रैंक वीडियोज़ भी बनाओ, हम बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। तो हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, बट आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि ये वाला प्रैंक हमारे थ्रू आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वाला प्रैंक करो या फिर ये वाला चैलेंज करो। हम पक्का आपकी बात को मानेंगे अगर वो जायज़ प्रैंक या चैलेंज होगा तो। अभी देखो मम्मी और क्या कर रहे हैं। गाइज, ये मम्मी ने काजू बादाम घी में भून दिया है ना, किस चीज़ के लिए? भूगड़ो के लड्डू बनाएंगी और अब भूनेंगी मखाने। ये काजू इधर भून के रख दिए। किसके लिए बनाए जा रहे हैं ये? तुम दोनों के लिए। दूसरा कौन? बाप राहुल। मतलब ऐसे तो सबके लिए ही होते हैं तो सभी खाएंगे, पर मेन मेरा और पापा का, क्योंकि अभी डस्ट की वजह से हमने कुछ ज्यादा ही दवाई वगैरह का इनटेक कर लिया है ना, ऐसा कुछ। yes. ये दादी इधर बर्तन धो रही थी। इसको बर्तन धोना कहती, मुझे बहुत मजा बर्तन धोने में। और अब ये बादाम भी भुन गए हैं तो निकाल दे। समरा गई। तो मावस तो पहले मैं समरा गई फिर खुश होगी। ट्रिक देख लो भाई, ये सासू माँ को पटाने की ट्रिक है। वाह, नहीं खुश रहती है ऐसे। बहुत खुश रहती है, पूछ के देख। बताइए सासू माँ मम्मी की। बहुत ही ज्ञान आ पर कभी तुम कमेंट बॉक्स में कहो हमारे भी आज इतना ज्ञान आ तो इतना भी ना आता। पर हम ना भेजा न और ये ना इधर मम्मी ने पहले ये भूगड़े भूंद के पीस के रख रखे हैं। अब उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स कूट के मिला देंगे, मीठा मिला देंगे, देन लड्डू बन जाएंगे हमारे। निपुन इधर देख रहा है टीवी है ना बिट्टू, देख पता नहीं क्या ही देख रहा है। क्या देख रहे हो ये आप? कौन से वाला नहीं पता, पर मजा आ रहा है देखने में। इसमें एक स्लाइड थी तो कहते हैं माई मेरे को ऐसी स्लाइड पे झुला के लाना है ना, जला देंगे ठीक है। अब ये राहुल लग गया अपनी ड्यूटी पे काजू बादाम कूटने की, क्योंकि हमारे घर में ये बहादुर है। क्या राहुल के बगैर तो गले नहीं है। कितने दिन हो गए मेरे ख्याल में? 4-5 दिन हो गए ना, चार पीस के कर रखे, बड़े कस के डाले। 4 दिन तो हो गए। हां, एक हफ्ता हो गया अब ये मम्मी इस पे मसाला वगैरह डाल के घी में भून के थोड़े से हमारे लिए देगी है, मेरे नीपू के लिए ना। नीपू अच्छे लग रहे हैं। और अब दादी ने हमें दे दिया था नींबू पानी बना के, निपुन ने अपना आधा पी लिया, मैंने भी पी लिया अपना आधा। गाइस फाइनली ये मिश्रण पूरा तैयार हो गया, मतलब लड्डू बनाने बाकी हैं जो मम्मी अभी बना रही है ना। इसमें बूरा ड्राई फ्रूट सब कुछ मिला दिया। गाइस फाइनली ये इतने लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं ना सो रही थी और इन लोगों ने मिलके ना मेरे साथ बहुत ही गंदा प्रैंक किया है, मतलब कि जान निकल गई थी एक मोमेंट पे। तो जैसे कि आपकी डिमांड थी प्रैंक वीडियो बना तो हमने आज बना दी है, बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। ढेर सारा प्यार उस पर बरसा देना, मेरी तो वही बस क्या बताऊँ, बहुत ही डेंजरस मोमेंट था वो। सोचा नहीं था कि ये पहला प्रैंक मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, आपकी डिमांड पूरी करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। टाइम हो रहा है शाम के 6 बजने वाले हैं और मम्मी पापा जा रहे हैं डॉक्टर के,
है ना। स्कूटी कह रही है गाड़ी में नहीं जाऊँ, स्कूटी पे जाऊंगी तो हेलमेट साफ कर रहे हैं। हाँ तो निपुन ने ऑर्डर दे दिया है कि चीज लाना। बाय। क्या हुआ भाई, क्या मंगाया है? आइसक्रीम। गाइस देखिए मम्मी ये कुछ नई चीज बना रही है आज। कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? क्या ये? ये नई चीज है, मुझे भी नहीं पता। बस बनाई जा रही है और हमें खाने में भी स्वाद आ रहा है। और ये हम आज इसको बनाने में बहुत परेशान हो रहा है। और मुझे ये बहुत सारा पसंद आ रहा है। तब ये पची पे था। हाँ। और देख पहले फिर उसमें ओवन में ये इडली का आइटम बनाए और इस पर फ्राई कर कर दे रही हूँ। कुछ इसमें छोटे छोटे बना रही। ये तो मुझे पसंद आ रहा है जो मम्मी बना रही है। ये नहीं पूरा है क्या भाई? ये जो डाल रही है ये मुझे पसंद आ रहा है। ओके ये बहुत मजे से बैठा रहा है। ये पसंद आ रहा है निपुन को इडली। और गाइस बाहर आ गई है बारिश, अंधेरा हो रहा है अच्छे वाला और बारिश आ गई। देखो फर्श पूरा गीला हो गया और देखो हवा भी बढ़िया चल रही है, इनसे पता चल जाएगा पल्ली भी हिल रही है। गाइस 8:30 बजे लगी थी रसोई में, फिलहाल 10 बज रहे हैं। हाँ और अभी भी बनी रहे हैं। सबको इतना स्वाद आ गया, बस मैं खाए जा रहे हैं। मैंने तो इतना परेशान नहीं किया है ना। मेरे दादा दादी ने भी दलिया खा ली। और चाड़ा देख लो, मारते तो ये खुआवे है जिसका खुद ना भेरा के है खुद के खाए। सवा शेर की सोड़ा पूरी, सवा शेर की एक अपने पुत्तो सोड़ा खाकर में सतवंती एक। बड्डी तो आज सही कसर काटेगी मौके पे। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और फाइनली निपुन भी सो गया है। तो यही करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ सब्सक्राइब बटन के साइड में एक छोटा सा घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। बाय बाय, गुड नाइट।